इस बीच आपको कोरोना की अपडेट भी दे देते हैं। जहां लगातार देश के अंदर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुंबई में कोरोना का तांडव जा रही है। जहां पर सबसे ज्यादा देश के अंदर कोरोना के मामले जो दर्ज किए गए हैं वो महाराष्ट्र के अंदर ही। इस बीच बीते 24 घंटे के अंदर मरीजों की कहीं 10 मरीजों की मौत जो है वह हुई है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी में भी कोरोना वायरस के दैनिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में जहां गुरुवार को कोरोना के चलते 6 और मरीजों की मौत हुई, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अंदर हेल्थ बुलेटिन में जानकारी मिली है कि कोविड केस में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच महाराष्ट्र सरकार के बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत की पहली कोविड नेजल वैक्सीन आज से मुंबई में 60 वर्ष से अधिक नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। जहां इससे पहले ICMR ने ये नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी थी, लेकिन बड़ी बात इस खबर पर यह है कि आज 60 वर्ष से अधिक नागरिकों के लिए ये उपलब्ध होते हुए नजर आएगी। जानकारी के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 6 महीने बाद ये नेजल वैक्सीन की खुराक जो है वे ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, लगातार देश के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं देश के अंदर अलग अलग राज्यों में क्या हाल है। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा मामले, महाराष्ट्र के अंदर 9355 मामले, उत्तराखंड में भी 385, पश्चिम बंगाल में 865 और इसी बीच पुडुचेरी के अंदर 627। अलग अलग राज्यों में आप देखिए कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा मुद्दा यह है कि मास्क का नामो निशान नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आज भी आमजन जो है वे मास्क नहीं पहने हुए हैं और राज्यों के अंदर फाइन भी नहीं है।